जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह जय हनुमान जी, जय श्री राम। चलिए, सुबह 15 मार्च, 7:33, फ्राइडे है। फ्राइडे आपको पता ही है, फ्राई होता है हमेशा। मैंने कल के वीडियो में साफ बोला था, कल एक मुझे अलग दिन लग रहा, क्योंकि कल निफ्टी में तेजी होने के बावजूद भी कल ये टिक नहीं पा रहा था। चलिए, गिफ्ट निफ्टी जरूर दिखा देता हूँ आपको, अभी आएगा। कल तेजी अच्छी हुई थी, लेकिन वो 20 EMA के ऊपर बंद नहीं कर पा रहा था। वो कहीं ना कहीं मुझे डाउट लग रहा था, मैंने कल क्लियर बोला था आपको ये चीज़। और बैंक निफ्टी तो कल पूरी तरह से दबाव में बंद हुआ, 960 के नीचे बंद ही हो गया था। गिफ्ट निफ्टी अभी 114 पॉइंट, मैंने सुबह तो 150 पॉइंट दिखा था, 114 पॉइंट अभी माइनस दिखा रहा है। 150 था पहले, 150 पॉइंट मैंने देखा था। चलिए, लेकिन अभी 116 ही है, 116 माइनस दिखा रहा है। लेकिन आज होगा क्या? अब आप वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको आज, यही तो मेरी खासियत है। जो कोई सोचता नहीं, मैं उसके पहले वो सोचता हूँ, ठीक है? देखिए, निफ्टी में घंटा भी गिरावट नहीं आएगी, लिख लीजिए आप लोग। क्या बोलता हूँ मैं, घंटे भी गिरावट नहीं आएगी। घंट भी गिरावट जो आएगी बैंक निफ्टी में आएगी। जो लोग सोच रहे हैं आज कोई बहुत बड़ी गिरावट का दिन है, भूल जाइए। निफ्टी ने कल ही सिग्नल दे दिया था, भले उसने 20 EMA के नीचे बंद किया, लेकिन कल उसने सिग्नल दे दिया था कि हायर लो बनाया कल के मार्केट में। कल निफ्टी ने 900 की जगह 914 का लो बनाया। मेरे ख्याल में 905 का लो था परसों का, वेडनेसडे का, और कल थर्सडे का लो 914 का करीब बनाया। तो उसने कल जब हायर लो बनाया, वहीं पे मुझे इंडिकेशन मिल गया, और वहीं पे मुझे इंडिकेशन मिल गया कि ये तो स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी ने कल 50 EMA टच किया और 20 EMA के नीचे फाइनली क्लोज़ किया। लेकिन वन सेकेंड प्लीज़, थोड़ा सा आपका काम बाद में कर लो। तो ये 50 EMA के, ये क्या बोलते हैं, 50 EMA के लेकिन ऊपर बंद करने में सफल हुआ। बैंक निफ्टी अब पूरी तरह से वीकनेस में तभी मान सकता हूँ अगर वो 46,500 के नीचे बंद करे, क्योंकि 46,580 के करीब का लो बनाया था और 600 कितने के आसपास उसका 50 EMA है। अगर बैंक निफ्टी आज 46,500 के नीचे बंद करे तो ही गड़बड़ है, बाकी आप बिंदास खुले आम तेजी करिए सब में। आज बैंक निफ्टी में कल वीकनेस जरूर दिखी है, कल उसका PCR भी घटा, क्योंकि उसका नया PCR आज आने वाला नहीं है, उसका ऑलरेडी कल नया PCR ही चल रहा था, क्योंकि उसका वेनसडे को एक्सपायरी होती है। तो उसकी PCR अभी 0.86 है, 0.84 है शायद, सुबह 0.89 पे थी, 0.84 घट के PCR घटा है, तो कमजोरी का संकेत है। लेकिन निफ्टी का आज जो PCR आया है, जो अभी आपको मनी कंट्रोल में 8 बजे दिखेगा, लेकिन मैंने किरण जाधव से ले लिया, kiranjadhav.com से, तो वो 1.18 आ चुका, जो कि कल मैं बोला था 0.96 है, लेकिन क्योंकि कल थर्सडे था, आज नया PCR आएगा उसका, तो 1.18 PCR जब निफ्टी का आ चुका है, निफ्टी सरप्राइजिंगली मुझे तेज नहीं हो जाए ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, 22,000 स्पॉट के नज़दीक जब भी आए, मैं 900 की बात नहीं कर रहा हूँ, परसों का लो 905, कल का लो 914, मैं कल के लो के पास तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 22,000 के नज़दीक आपको निफ्टी मिले, 22,000 स्पॉट का लेवल, स्पॉट प्लस माइनस 20 पॉइंट्स मुझे आज का लो लगता है। मतलब 21,980 के नीचे मुझे आज निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखता है, या 21,970 के नीचे निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अभी पूरा वर्ल्ड सोचना करो, ये क्या पागल है साला, मैं बोल रहा हूँ पागल ही हूँ मैं। और फ्राइडे एक अलग चीज़ होती है, ग्लोबल क्लूज खराब आज, क्योंकि कल USA मार्केट में बहुत पिटाई हुई है। एक बार तो 300 पॉइंट करीब से ज़्यादा गिर गया था, मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, वो थोड़ा रिकवर हुआ था, लेकिन वहाँ क्यों गिरावट है वो भी बताता हूँ। वहाँ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कल आया नंबर PPI, वो 1.6 आ गया, 1.01 का एक्सपेक्टेशन था, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया। और उससे क्या हो गया, वहाँ चिंता बढ़ गई
कि अगर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ रहा है तो इसका मतलब महंगाई बढ़ेगी, और एक तरह से वो जो लोग वोटिंग कर रहे थे कि भैया जून में रेट कट आ जाएगा, कल तक जो वोटिंग कर एनालिसिस बता रहा था 70% लोग मान रहे थे, 70% लोग मान रहे थे कि जून में रेट कट आएगा अमेरिका में, लेकिन कल जब वो PPI के नंबर आए उसके बाद वो घट के 59% पे आ गया। मतलब अब सिर्फ 59% लोग ही मान रहे हैं कि रेट कट आएगा, 59% जून में आएगा, जो कि कल के पहले 70%, क्योंकि PPI का डाटा कहीं ना कहीं एक सेटबैक का है उनके लिए इतना बढ़ के आना। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे लगता है जून के पहले ही रेट कट आ जाएगा, ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। ये जून में तो आएगा ही आएगा, ये लिख लीजिए आप, ये सब नौटंकी है, ठीक है। ये जितनी नौटंकी सब मार्केट को ऊपर नीचे करने के गेम होते हैं, ठीक है। अब आज कल हमारे यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो लिस्ट था वो SBI ने ऑलरेडी ECI को सबमिट कर दिया था, तो ECI ने आज उसकी वेबसाइट में डालने वाले थे टुडे, उन्होंने कल रात को ही डाल दिया, कल इवनिंग में ही डाल दिया। तो किस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में कितना चंदा लिया, क्या हुआ, सब उसमें डिटेल है। अब कुछ लोग बोलते हैं बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा ब्लास्ट, कुछ ब्लास्ट नहीं, घंट होगा, कुछ नहीं होगा, तुम लोग शांति से बैठो। BJP सरकार है यहाँ, जब इसकी सरकार में कोई चोर भी आता तो वो साहूकार हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, आप BJP समर्थक हो तो भी पता होगा कि जो आदमी 5 दिन पहले चोर था फिर वो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिस आदमी के पीछे पूरी BJP सरकार लगी हुई थी उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता भाई, जब साम दाम दंड भेद सब मेरा तो क्या उखाड़ेगा तू मेरा, समझ में। तो ये सब रिपोर्ट लाके कोई फायदा नहीं है। वो क्या बोलते हैं, वो कांग्रेस वाले बोलते हैं ना वॉशिंग मशीन है, तो ये वॉशिंग मशीन है, रियल में वॉशिंग मशीन है। आपको पार्टी बदल लेना है, आपकी ज़िंदगी सेफ है। तो ये क्या, ये सब इलेक्ट्रोल, ये सब सिर्फ उल्लू बनाने के काम है, ठीक है। कुछ होने वाला नहीं इसमें, कोई एक्शन कुछ नहीं, ठीक है, लिख लीजिए आप। तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो लोग सोच रहे हैं ऐसा कोई भूचाल आ जाएगा, ये सपने आप बुनते रहे घर पर, ठीक है। मार्केट मुझे तो आज लगता है कहीं निफ्टी पॉजिटिव बंद नहीं कर देगा, दिल से बोल रहा हूँ, लगता क्या, मुझे लगता है ये पॉजिटिव बंद करेगा निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी जरूर आज गिर सकता है 16, लेकिन उसमें भी बाइंग आ जाएगी, 46,200 का लो बना सकता है इंट्राडे में, 200 के आसपास वहाँ बाइंग आएगी, लेकिन वो 600 के ऊपर ही क्लोज करेगा। 50 EMA के नीचे अगर क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी खलास, ठीक है। 50 EMA उसका 46,600 के करीब है और कल की क्लोजिंग 789 आई है, तो वो टूटेगा तो जरूर आज इंट्राडे में वापस, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, मैं आपको बोल देता हूँ, वहाँ पे भी बाइंग आ जाएगी आज जोरदार। तो ओवरऑल आज मुझे एक पॉजिटिव क्लोजिंग लग रही है दोनों में, बैंक निफ्टी की पिटाई थोड़ी ज़्यादा होगी शुरुआत में, लेकिन रिकवरी दोनों में आएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग, निफ्टी वेडनेसडे का लो तो छोड़िए, थर्सडे का लो तो छोड़िए, वो 21,980 के नीचे जाना ही मुश्किल है, 21,970 के नीचे जाना मुश्किल है, 21,970 लिख लीजिए आप लोग, जबकि वेडनेसडे का लो था 21,905, कल का लो था 21,914 या 917 ऐसा कुछ था। अब इतना यार मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, तो 21,970 के नीचे नहीं जाना चाहिए आज मेरे हिसाब से। आपको 22,000 या थोड़ा उसके नज़दीक मिले आज निफ्टी स्पॉट, तो उस समय आप फ्यूचर बाई कर लीजिए, चाहे
आप कॉल ऑप्शन ले लीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रिक डालिएगा। कल आपने मेरा बहुत सारा मैजिक देख लिया, तो आज एक और मैजिक देखिएगा। ऐसे माहौल में ऐसा वीडियो बनाने की ताकत कितने लोगों में, 7 बजे, ठीक है, 7:30 बजे। तो ये सब देख लीजिए। अब क्लासेस के लिए कल संडे को क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी नई वाली बैच की। जिसको ज्वाइन करना है भैया, ले आओ कहीं से भी और जुड़ जाओ प्लीज़। और जिसको लाइफ टाइम मेम्बरशिप लेना है, किसमें इन्वेस्टमेंट ग्रुप में, 25,000 रुपये आज और अलाउड किया जाएगा। कल ग्रुप क्रिएट हो जाएगी और मंडे से उसमें काम चालू हो जाएगा, लाइफ टाइम मेम्बरशिप इन्वेस्टमेंट ग्रुप की 25,000 में। और अब आप मंडे के बाद आओगे तो 75,000 इसी की प्राइस देना, मंडे के बाद, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ग्रुप उसमें ये सब नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग वाला जो होली टू होली था वो कैंसिल कर दिया, मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसकी जगह आपको बता ही दिया रेट्स कल, तो वो रेट्स तो आपको कहाँ, जब आप लोग 10,000 में नहीं आ रहे थे तो 25,000 का 6 महीना कहाँ आएंगे आप लोग, मत आइए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे ट्रेडर नहीं बनाना लोगों को, मुझे इन्वेस्टर या क्लास से सिखाना है। आपको समझ में आएगा एक्चुअल ट्रेडिंग करना कैसे। अब ये पागलों की तरह सुबह से आप एकदम एक्साइटेड होकर बैठे थे, आज क्या लूँगा, अरे ये तो मैं आपको कल बता दिया कि इस जगह पुट ले लो, इस जगह कॉल ले लो। बाकी आपके ताऊजी की शक्ति नहीं है कि ये पता कर ले कि कब क्या ट्रेड करना है। जैसा मार्केट चल रहा है ना, चड्डियाँ उतर जाए सबकी, समझे। इसमें तो आप मेरे भक्त हो बोल के टिके हुए हो। तो ओवरऑल टुडे पॉजिटिव निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस 80% है, लेकिन 100% कॉन्फिडेंस है कि निफ्टी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और 970 के नीचे लो नहीं बनेगा मुझे लगता है, 970 मैक्सिमम या 960। तो भूल जाइए कोई ऐसा, कोई ब्लैक फ्राइडे, ब्लू फ्राइडे, ग्रीन फ्राइडे, ऐसा भूल जाइए। अब खुशखबरियाँ बता दो, ये तो दुख की सारी खबर बताया। सरकार ने 2 रुपये पेट्रोल के कम कर दिए आज से, साला 2 रुपये कम किया ये मोदी सरकार ने। ये वही मोदी सरकार जिसके लिए कानिया बाबा बोलता था, कानिया बाबा रामदेव बोलता था कि मोदी को लाइए 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा। अब साला 110 करके 108 कर देगा या 100 करके 98 कर देगा, लोगों को वाह वाह लूट रहा है, बताइए। और लोग बोलते मास्टर स्ट्रोक, तो ये 2 रुपये आपको क्यों कम किया आपको मालूम है, इलेक्शन है सामने। क्या जनता है यार, कितनी भोली वाली जनता को बेवकूफ बनाता है। एनीवे, जय जिनन, ये खुशखबरी थी। दूसरी दुख खबरी है क्रूड कल फाड़ के रख दिया, ब्रेंट क्रूड कल 85 को पार कर दिया था और नाइमेक्स क्रूड कल 81 को पार कर दिया। तो ये थोड़ी सी दुख खबर है, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्रूड लंबे समय तक ऊपर टिकेगा, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कोई टेंशन वाली नहीं है। और भैया देखो, हिम्मत तो देखो बीजेपी गवर्नमेंट की, कल क्रूड भागा तब 2 रुपये घटाए। तो देखो इसको बोलते हैं चाल। चलिए एनीवे, आएगी तो 400 पार, ये मैं आपको एडवांस में बोलूँ। ये जो जितने भी समीकरण चल रहे 350-370, मेरा टारगेट है 432 सीट्स बीजेपी को आएगी। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, 432 लिख लीजिए आप लोग लोकसभा का, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। इस पर कोई आप लोग बैटिंग वोटिंग मत कर लेना, है ना, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।